हेलो दोस्तों, निशा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर करी। यह रेसिपी जितना बनाने में आसान है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। ज़्यादातर लोग घर में पनीर करी ही बनाते हैं, तो शुरू करते हैं बनाना। ये बहुत ही कम टाइम में बनता है, तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने पनीर के पीसेस काट लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही आराम से मिक्स करना है, ताकि पनीर हमारे टूटे ना। अब इसमें मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया, इसको भी पनीर के साथ मिक्स कर दिया। इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने दो चम्मच दही लिया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, कुछ पाउडर मसाले मिक्स करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लें दही में। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे दही में और इसको साइड में रख देंगे। अब पैन को गरम करेंगे। उसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है, इसको गरम होने देंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गरम हो गया है और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। ये देखिए, पनीर हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, पनीर को हमने निकाल लिया है। अब हम उसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी टुकड़ा। इन सबको कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे। फिर इसमें अनियन का पेस्ट डालेंगे। मैंने 3 अनियन का पेस्ट बनाया है मीडियम साइज। इसको ऑयल में डाल देंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच। इसको भी फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाला है कलर के लिए। इससे पहले मैंने लाल मिर्च ऐड कर लिया है। सबों को ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम दही का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसमें सारे पाउडर मसाले हमने ऐड किया था। इसको भी 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, सारे मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैंने 1 बड़ा कप पानी ऐड किया। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करिएगा। मैं इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। अब पानी में हल्का सा बॉयल आने के बाद में हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ढककर, ये देखिए, पनीर हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड करेंगे।
और इसको मिक्स कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए ढक देंगे। हमारी पनीर करी तैयार हो गई। अब इसको गार्निशिंग करेंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए पनीर को ही लिया है। पनीर को क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो इसको धनिया पत्ती या हरी मिर्च से भी गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पनीर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।